केस जो टीम के हमारे कैप्टन है हथौड़े साहब और उनके पूरी टीम उसके अंदर पवार साहब है, उन्होंने एक अच्छा ग्रो पकड़ा है, उसके पास इलेस्ट पेपर अपने को जो नशे के मार्केट में मिलता है और काफी यूथ में ये फेमस है आज के तारीख में, क्योंकि ये पेपर जल्दी पता नहीं चलता कि ये सही में क्या है, ये नशा है या पेपर है, क्योंकि आप अगर वो देखोगे तो आपको ऐसा लगा कि ये कुछ तो आर्ट के लिए ये पेपर बनाया हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। तो अपने लोगों ने ये पूरा नेट के ऊपर थोड़ा सर्च किया था, उसकी माहिती लिया था, उसके बाद अपने को एक होर्डिंग के जरिए आपको पता चला कि ये बेचने के लिए थाना में आने वाले थे। तो हथौड़े साहब और उनकी जो पूरी टीम है पवार साहब, उन्होंने उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसकी जब हमने झड़की लिया तो उसके पास हमको एक पेपर मिला, उसके बाद हमने उसके घर के अंदर सर्च किया तो घर में भी हमको उसके लगभग 1 किलो चरस मिला था। उसके साथ में हमारा यूनिट वन का भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा था, यूनिट वन के लोगों ने भी एक आरोपी को पकड़ा था, उसके तरफ से हमको 4 किलो चरस मिला था। टोटल हमने 2 दिन में थाना कमिश्नरेट में कम से कम 5 किलो का चरस पकड़ा है और एलएसी पेपर, जो चरस की मार्केट में कीमत है वो लगभग 11 से 12 लाख के आसपास कीमत है, और जो एलएसी पेपर है उसका थोड़ा सा तुम अगर कट देखो तो 5,000 के आसपास उसका प्राइस है। तो अपन ने लगभग 1 से लेकर 2 लाख के आसपास हमने वो एलएसी पेपर को पकड़ा है। तो अभी हमारे पास वो जो एक्यूज है उसको हमने पीसी लिया, उसका पीसी 15 तारीख तक है। अगर कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो भी लीगल प्रोविजन है उसके तहत हम करवाते हैं। सर, ये जो जिसको पकड़ा है जिस आरोपी को, उसका कुछ बैकग्राउंड है क्या और इससे बड़ा रैकेट सामने आ सकता है? नहीं, हमारा तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके अंदर हमको पता चलेगा कि क्या उसके पीछे कौन लोग है, इन्होंने कहाँ से लाया, क्योंकि हमने जब उसके घर पे हमने तलाशी की तो घर पे हमको एक एवी मिला था, वेट इलेक्ट्रॉनिक वेट हमको मिला था। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी दिनों से ये करता है, तो उसके साथ में कौन लोग जुड़े हैं ये भी इसका हम तपास करेंगे। तो इसके माध्यम से हमने करीब 5 किलो का चरस सामने यहाँ पे पकड़ा हुआ। सर, ये जो एलएसटी पेपर इस बारे में थोड़ी जानकारी हो, कैसे इसका यूज होता है और कौन से देश में रहते हैं? और ये तो कैसे कि ये नशा जहाँ पे जिस देश में किया जाता है वहाँ पे एलएसटी पेपर मिलता है। ये अलग इसलिए है कि ये आप देखोगे तो आपको नजर डालोगे उसके ऊपर तो आपको पता चलेगा कि ये पहले नशे में पता ही नहीं चलता कि ये पेपर नशे का हो सकता है, इससे नशा हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का पेपर आप अपने जेब में भी रख के घर पे भी चले गए तो घर पे भी पता नहीं चलेगा कि ये पेपर नशे का है, लेकिन इसका टुकड़ा अगर आप अपने टंग के नीचे रख दिया तो उससे अपने को नशा आना चालू हो जाता है। इस तरह का इसका ये मोरस है कि वो लोग बराबर नेट के माध्यम से कुछ कॉलेजेस है, स्कूल है, या फिर जैसे कि आईटी हब्स है, या जो यंगस्टर्स है ज़्यादा यंगस्टर्स के बीच में ये ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो टीम है अतुल साहब और पवार साहब, इन्होंने ये पूरा नेट पे सर्च करके जो भी गिरोह उसका हमने पर्दाफाश किया।